ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रम तस्वीं श्री गुरु हो प्यारी संगत ये गुरु ज्ञान मिलेगा गुरु से मिलेगा ये ज्ञान तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा है ब्रह्मा पैदा करता है न सृष्टि को और गुरु विष्णु है और गुरुदेव महेश्वर है ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता ने हमारे और वो कहता है गुरु साक्षात पर ब्रह्म परब्रम क्या प्रकाश है जबरदस्ती सूर्य सूर्य और प्रकाश यह दुनिया बढ़ाता है और यही प्रकाश मनुष्य के अंदर है मनुष्य के अंदर जिसको आत्मपद कहते हैं जिस प्रकाश पर रहता खुशी होता है ब्राह्मणों का एक मंत्र है ओम भूर भवय स्वय तत् पवित्र ब्रम भ्रगो देव से धीमय धियो जो नचोद्यात इस मंत्र का मतलब संस्कृत का है इसका भाव यह है कि मनुष्य तू जागते स्वप्न सुस्फी से आ गए जो सूर्य है रंग का वो देख तेरी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी यानी जो प्रकाश का दर्शन करता है ध्यान करता है वो सोचता है भाई बात सामने आ जाती है उसके सिद्धि आ जाती है उसमें कि तू तो उसका ध्यान करे ये ब्रह्म हमारे ऋषि मुनियों का है जो परमात्मा सीधा ही मिलना चाहते हैं उनके लिए तो हम लोग क्या चाहते हैं हम तो धीरे बहुत सी चीज़ें चाहते हैं और दूसरी बात हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ में क्या कि हमारी मुख्य शक्ति है वो निकल चुकी है क्या चीज़ है ब्रह्मचारी एक शक्ति है केवल ब्रह्मचारी एक आश्रम करता है बीस पच्चीस साल तक और जो जो से लड़की को बहनों को सबको बहन समझता है स्त्री से एक ब्याह शादी होती है उससे स्त्री समझता है और बोले उसको अच्छा रखता है और उससे एक, एक दो तीन चार संतान पैदा करता है और संतान के बाद दोनों पति पत्नी देवता की तरह रहते हैं उन ब्राह्मणों का ही पंथ है और उनका आपका है तो अगर ब्रह्मचार्य इसका ध्यान धुन करना हो तो मामूली बात है ब्रह्मचार्य को पालन कर ले पति पत्नी जरूरत है तो आनंद चाहते हो न एक घंटी एक डेढ़ मिनट का आनंद है वो तो एक डेढ़ मिनट का आंद फिर होटल अटका देते हैं देती खोई जाती है चिरचरा स्वभाव जाता है गुस्सा आने लग जाता है बहम तरह तरह घर में करे किस लिए के वो रस्वते वो शक्ति निकाल देते हैं ज्ञान नहीं हो तो संतान उत्पत्ति करने के लिए था और सब इसको स्वाद लेते हैं तो बाद मत है में कमजोरी आ जाती है चिरचरा स्वभाव हो जाता है गुस्सा आ पति पत्नी कोई देखना चाहो उसको कौन देखना चाहो और नहीं तो एक दूसरे के साथ पास पास बैठे रहे मरते दम तक ये खिचाव होता दोनों की तरफ से ये प्रकृति नेम है तो अब अज्ञान से इससे परेशानी है तो ये बात नहीं तो कोई बाप बताएगा ना माँ बताओगी ना कोई गुरु बताएगा अब मैं किस लिए बताता हूँ मेरा अनुभव आ गई बात कि नाथ नोत क्यों बड़े हो नाथ की किसने बुड़े इसलिए कि सुरू से प्रकाश आ जाए वो मुक्त तो होना चाहते जीवते ही तो ये बात मेरे समझ में आ गई तो वो बात मैं तरीके से बताऊँगी अब दुख क्या मैंने एक तो ये बड़ी बात बताई सत्संगाम क्योंकि इधर दुख का ही कारण है हम गृहस्थी और क्या है कोई चीज़ से दुखी हो जाते हैं मन के अनुकूल कोई बात हो जाती है तो हम खुश और मन के प्रतिकूल हो दुखी आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस फ़ायदा हो जाए दुकान में फ़ायदा हो गया तो खुश कहे खूब और जो घाटा पढ़िया तो ये जी क्या करें याद करके काम नहीं चलता एक बच्चे को पढ़ाया पढ़ा के देखा अब बच्चा परीक्षा देने जा रहा है बहुत तरह से अच्छा नंबर दे के आया तो आप खुश और घटिया लेके आया तो दुखी मतलब मन के अनुकूल आप चाहो वो काम हो गया तो आप खुश हो और मन के प्रतिकूल जो काम हो जाएगा तो आप दुखी हो यही है दुख सुख और तो नहीं है कोई तो वो पैदा करने वाले आप हैं कैसे आपको पता नहीं हमको हम गिरस्ती हैं सब ये बात मैं बताऊं कोई ब्रह्मचारी नहीं बताएगा आपको ब्रह्मचारी को क्या पता जाके पैर ने फटी पी आई वो के दड़ पीट पर आई मैं गिरस्ती हूँ तो मेरे को पता नहीं गिरस्तक का तो क्या करना आपको घरों के अंदर जो हमारी नाराज़गी है थोड़ी देर के नाराजगी होती है उस वक्त हमारे घटिया विचार नहीं करते ईर्षा द्वेष नफरत के और वो विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं और कोई उचित खास लहर है वहाँ पर उस सतह को पार करने के बाद वो कर्म बन जाते हैं हमारे और कर्म बन करके और वो यहाँ पर आते जहाँ से चले वहाँ पर जो तो अच्छे विचार हैं उसके लिए तो फल आपके मन के अनुकूल होगा और जो घटिया है उसके प्रतिकूल होगा तो दुख सुख किसने बनाया हमने किस लिए अज्ञान से हमको अज्ञान है मनुष्य को मनुष्य का ज्ञान है कि मैं क्या सोच रहा हूँ पता नहीं है और क्या बोल रहा हूँ पता नहीं है तो कड़ी बात बोलेंगे पत्नी को बोल दिया पति को बोल दिया वो दुखी होगा पत्नी कोई बोलेगी नहीं शायद तो वो दुखी होगी इसे मेरे को ये कह इससे मेरी माँ का नाम लिया इसलिए मेरे बाप का नाम लिया वो कम खाना बनाती धागरी यह करती धागिर ये करती जा वो विचार वे विचार जाते रहेंगे ब्रह्मांड में और विचार से जब आएंगे तो घर माफत लेके आएंगे और पत्ती पति तकड़ी है तो पत्नी जो कुछ ऐसी बात से थोड़ी तेज है बड़े कह दिया कि आपकी माँ भी सही थी बाप भी छाही थे अब दुख आएगा बोले मेरी माँ का नाम लेती है तो जाए कहाँ भाया अभी रोटी रोटी खानी नहीं घर में तो कुडेगा कुडेगा मतलब मनी मन में वह कुडता व विचार ऊपर चले जाते हैं और आते हैं दुख लेके आते हैं ये तो गृहस्थी आना पा तो गृहस्थ के में दुख किस बात का इसका है भाई भाई से नाराज़ है तो बुरा सोचेगा अच्छा तो सोचेगा नहीं वो और वो ऊपर चला जाएगा दुख आएगा भाई को भी आएगा और उसको भी आएगा बाप बेटे की नाराजगी नहीं बनती तो जो सोचते हैं बाप पर भी आएगा बेटे पर भी आएगा दोनों जो विचार करता हूँ मैं जिसके लिए करता हूँ उसके पर ही असर करेगा मेरे पर आपके विचार में ये सकती है और आपको पता नहीं आप एक लोग नहीं जो राष्ट्रपति को पता नहीं क्यों मैं राष्ट्रपति के पास भी रहूँ दो साल एक दफ़ा डेढ़ साल एक दफ़ा उसकी भी हालत देखी बड़े बड़े अफसरों के पास रहते आते हैं डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक सब कहकर ये तकलीफ तो बेटी और भाइयों अगर ये बात समझ आ जाए तो एक नुकता बता देता हूँ रोज़ बताऊँगा नहीं मैं कौन सी आप एक बात कर लो कर मैं नाराज़ कर रही हूँ कभी लो जाओ कभी सौ गाड़ भी काट देने तो बोले और काट लो एक दो और कह दो कोई कड़ी बात कहते दुखी हो नाराज़ करो चल जाओ आज पर व्रत कर लो व्रत करती जाती हो जार व्रत के बराबर एक है तो मैं नाराज होने से सास कुछ कह देगी तो वो माता जी मेरे को इतनी कहला है मैं तो भोली हूँ और सास को कुछ आप कह देगा थाने पता हो नहीं बात का आपका मालूम नहीं है कि भाई मेरा मैं तो सीख ही नहीं क्यों तू तुपड़ी खिसी है बात समझे बात नाराज़ हो ये हंस जाओ जब आपको कोई कड़वी बात करे तो हंस जाओ डोड़ा नहीं कहती है जिठाणी कहती है कोई कहता है बुरा मत मान लो जिठाणी मुँह सुल आप बात कर लो जी क्या कर रहे हो आज आपको पता है है कोई नाराजगी क्या कर रु कैसे हो ये बतला लो बाहर कर भाई क्या काम आज करे हो आजकल पड़ोसी ना दे तो उसको कह दो मतलब यह कहा आप रूस रहा नहीं आ आज एक रुकता बताता हूँ छोटी सी रूसरा छोड़ दो आपका सब काम कोई दुख नहीं आएगा आपको क्योंकि रूस छा आदमी तो बुरा सोचेगा जो रुसता ही नहीं कभी वो बुरा क्यों सोचेगा तो एक बात बताऊँ ये डॉक्टर कमला जी कहे रोजाना बात बताओ रोजाना बात बताओ रो दिया ये बात बताऊँ चलो आज वर्त कर लो आप इसको अप्लाई कर लो दोस्तों ठीक है नहीं क्या फ़ायदा किसका सच्चा है आज मैं जो बात कर रहा हूँ कि आज से नेम कर लो मैं रूस हुआ नहीं चलो जी रूसने से ख़राब होते हैं जो कोई रुस है खुश हूँ कि इसको बेचारे को पता नहीं है परमात्मा इसको सदमती दे ये नहीं कह मर जा इसको अक्कल नहीं है इसलिए दिल दुखाता लोगों मार दिल दुखाता दृशीष्ट मिलती तकलीफ आवेगा ये दुरशीष लेते हैं हम तो मैं घर में बताता हूँ कि भाई गुरु माता गुरु पिता जो माँ बाप को तुम नहीं किस गुरु को पूजते हो किस मूर्ति को पूछते हो बोलो या ज्ञान है अरे घर में बैठी है आपकी माँ है का आपकी सास है का आपका ससुर है आपका पति है का आपकी पत्नी है उसको कर लो एक आदमी मेरे को जयपुर में कोई सत्संग दे रहा था पढ़े लिखे आदमी थे विद्वान थे सब प्रोफेसर तो वहाँ पर वो जब खत्म हुआ मैं कोई बातचीत बता दी वो खड़े हो गए बोला जी मैं तो मेरे माँ बाप तो है नहीं पत्नी है घर में तो मैं घर से चलता हूँ तो पत्नी को ही नमस्कार करता हूँ मेरे साथ स्पर्श कर जाता हूँ आशीर्वाद दे देता दे हूँ उसी से मैं कहा बहुत अच्छी बात है छोटी बात है वो अरे तू पत्नी का इतना सम्मान करता हुआ लक्ष्मी है सोचा कि वो घर भर जाएगा सब चीज़ का कर सम्मान करोगे तो धनवान बढ़ोगे किसी का भी सम्मान करोगे तो वो तो आशीर्वाद देगा कि भाई बहुत अच्छा तेरे भलो हो तेरे जाते हैं आपको बहू आती है आपको पाँच रुपया देती है तो खुश होते हो आप और आशीर्वाद देते हो उसको सम्मान करते हो और सम्मान नहीं करोगे तो वो दुरशिश दो दे, तकलीफ देगा दृशिष्ट में ले से तो दुख पाओगा कंगाल बन जाओगा परेशानी आएगी और आशीर्वाद लोगे तो खुशी हो जाओ समझेगी ना बात आप तो आप सम्मान करो घर में ही करो फिर घर में सम्मान नहीं करता तो बाकी कुछ नहीं चाहे पीएचडी करे डी से पी एच डी करे फिर कितने बड़ा आदमी मिला कुछ नहीं हो जो घर में माँ बाप का सम्मान नहीं करता आप में कितने भाई हैं और कितने बहु हैं जो सुबह उठ के आपके सास को चरण स्पर्श करते हैं और भाई आपके माँ बाप को चरण स्पर्श करते हैं कितने हैं टेस्ट खोल मैंने बेरो है देवी मान जाना है मैं देवी ने जाना माँ बाप को आप मेरे को जानते आप एक ही अगर आदमी आए एक परिवार खाद में आए तो पहले शुरू से उठ के चरण स्पर्श कर लो माँ बाप से चरण स्पर्श कर लो तो आपको एक ही बात बताइए आदमी अगर एक बात पकड़ो आप तो वो छोड़ दो ये विचार कर दो को मन किसी से रूसना नहीं है चाहे मेरे, मेरे को जो है कोई नौकरी करता हूँ ऊपर अधिकारी राट लगाता है तो बोलते सरकार मेरे को मालूम नहीं थी आदि नहीं अच्छा मैं ध्यान रखूँ और गलती नहीं करूँगा और घर में भूखत ये साथ रूसना बंद कर दो रूस जड़ा आदमी बुरा सोचता है रात में पढ़ाई पढ़ाई बुरा सोचता है अगर वो ऊपर चल जाएगा ब्रह्मांड में घर बर में तकलीफ़ आ गई पूरा गाँव आपका सब ए टू जडी करी मेरी बात ये सुन ली तो अगर दुखी हो रहे ये दुख पूरे गाँव को है तो बता रहे हूँ ये एक का नहीं है हर घर में ये बात है फट्टा आदमी रुस जाता बात पर और उसकी बुरा सोचता है और बुरा सोचता है घर में बुरा आता घाटा पड़ जाएगा परेशानी होगी बीमारी लग जाएगी चोरी हो जाएगी झगड़ा हो जाएगा ये परेशानी हर घर में तो बेटी अगर समझ आती तो एक बात बता रहे हो आज एक ही कर लेना चाहो और छोटे सोचते मेरी बात आगे ही बताऊँगा सारी पर आप इतने ही कर लेना ठीक है ना ये आज से सोचते पहले कोई गलती कर ली तो माफ़ी मांग लो कभी आज तक हो जाओगे सास भूखार दीजिए तो सास को समझ आ सास कह दे बेटा जो कुछ होगी कोई बात नहीं आगे अगली बात ठीक है पीछे गोल मथोड़ बुरझाओ पीछे सपना था आज अच्छी अच्छे दिन काटांग सम्मान करो सास का सास बहू का करे दौरानी जिठाणी का करे भाई भाई का करे पड़ोसी पड़ोसी का करे हम एक दूसरे को देखिए क्योंकि ईश्वरंश हैं आप में ईश्वरीय शक्ति सब आदमियों के अंदर है अज्ञान के कारण दुख है क्या ज्ञान है क्या सोचता है एक तो इसको पता नहीं दूसरा ब्याह शादी कर लेते हैं और ब्याह शादी समझते खीर खांड है अज्ञान सबको अज्ञान है और बावड़ा है फिर आधा आदमी दिमाग खराब है कितरा स्वभाव है गुस्सा करें लड़ने तैयार है क्यों हो रहा है शक्ति निकली बिना मतलब की तो वक्त शक्ति मुझको वा और देखने वा शक्ति तो आपको अंदर ही आ जाओ प्रकाश में आ जाओ गजब का आनंद और दुनिया में बहुत आनंद है खूब धन कमाओ कार रखो मोटर रखो गाड़ी रखो अच्छा पहनो अच्छा खाओ पहली ज़माना था कि घर छोड़ के भाग जाते भगवान कपड़े पहन देते थे लेकिन अब जितनी झूठा पकड़ कपड़े भगवान कपड़े करें पे गिरस्ती नहीं करें अभी और गिरस्ती हो सबसे पहले भूखा क्या लेगा आजकल आदमी मांगने वाला बन जा सारे मांगते तो भगत हो जाते बाकी रह जाते खूब कमाओ अच्छा खूब स्वाद लो जिंदगी का अच्छा खुआ खुआओ खा खुआवाओ दूसरों को दे और दो इस हाथ से दो और इसे ले लो दान दो धन मिल जाएगा सुख दो सुख मिल जाएगा किसको दो सुख घरालों को पहले अपने माँ बाप परिवार को दुख बत दो किसी को रुसाओ मत को रुस बोलो जी रुस गया क्यों रहे आज आज बोलो को नहीं क्या बात भाई जी वो कोई बात नहीं कोई बात बता दे मेरे को मैं गलती करी मेरे को बता दो उसको राज़ी कर लो ऐसी समझ बात कोई दुख नहीं होगा आपको और जो सोचो वैसे हो जाएगा अच्छा सोचो मकान के बारे में तो मकान मिल जाएगा अच्छा दुकान की तो दुकान हो जाएगा अच्छी संतान के बेटियाँ चाहती अच्छी संतान चाहो अब ज्ञान दे रहे हो तो आप में कोई बेटियाँ काम करना चाहती हैं ये तो मेरे गुरु, गुरु, गुरु की जरूरत है पुस्तकें बता दूंगा ये डॉक्टर रही कमला रही ये मनोज रहा और आप काम करो पढ़ी लिखी हो तो पहले अपना कमाओ अपना तेरी घर में राज्य काम करो और फालतू टाइम हो तो ये ज्ञान दो ये पुस्तक कितना दूंगा मतलब तिरानवे साल का हो गया अभी तो ये मनोज करे यहाँ रसिंग आप पूरी दिल्ली के अंदर काम करेगा और सत्संग दे सत्संग दे रहा हूँ सत्संग देगा पूरा से ऐसे ही काम करेगा मैं करे करना आया ये सिर कोई भाई सत्संग कराना चाहता है तो इधर बता देना रामदास जी को बता देना दविंदर जी को बता देना ये मनोज जी को जानते हैं उनको बता देना ये याद कराती है तो अब मैं सत्संग की बात छोटी सी बताई आपको